कुरुक्षेत्र में शनिवार को गांधीगिरी मनाकर जनता को ट्रैफिक रूल्स के बारे में एसपी आस्था मोदी ने फूल भेंट कर जागृत किया और नियमों के बारे में बताया, जैसे कि अब हेलमेट, लाइसेंस, प्रदूषण, सभी के चालान रेट बढ़ गए हैं। और आस्था मोदी ने यह भी कहा कि अपने दो पहिया वाहन के पूरे कागजात व हेलमेट पहन कर चलें। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो कार्रवाई की जाएगी और कानून तोड़ने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। सभी से अपील है कि हेलमेट लेके चलें और सीट बेल्ट लगा कर चलें। कुछ नए ऑफेंसेस जैसे कि पिलियन राइडर के लिए हेलमेट कंपलसरी, साथ में गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सारे लोग जो हैं उनके लिए सीट बेल्ट कंपलसरी, इस प्रकार से कुछ इनमें चेंजेस आए हैं। और साथ ही जो फाइन, जो चलान के जो अमाउंट होता था उसमें काफ़ी वृद्धि की गई है। तो जो पहले जो 100 रुपये का चलान होता था वो लगभग 1000 रुपये का हो गया है कुछ केसेस में। तो ये 1 सितंबर से ये लागू किया गया था। तो हम लोग लगातार एक अवेयरनेस कैंपेन पुलिस ने चलाई हुई थी, हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक स्पेसेस में जाके अवेयरनेस के कैंपेन कर रहे थे। बट हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर है उनका विचार रहा कि इसको और हम बड़े लेवल पे करें ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि ये फाइन का अमाउंट जो बड़ा है इसके बारे में सबको अवेयरनेस हो जाए और सभी लोग ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट उनको फॉलो करें। ये फाइन को बढ़ाने का जो औचित्य है वो यही है ताकि लोग इन चीज़ों को सीरियसली लें। पर मैं यही आग्रह करूँगी कि फाइन के डर से नहीं बल्कि ताकि हमारी जो सड़कें हैं वो सुरक्षित बने आपके लिए भी और जो बाकी लोग सड़क पे जो मूव कर रहे हैं उनके लिए भी। इसीलिए आप लोग सब जो रोड सेफ्टी के जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उन सबको फॉलो करें और इस हैवी फाइन से भी बचें और साथ ही साथ अपने जीवन को भी सुरक्षित करें। आज गांधीगिरी से समझाया जा रहा है तो उसके बाद क्या होगा 3 दिन बाद? जी, गांधीगिरी से आज समझाया जा रहा है ताकि एक अवेयरनेस बने, एक लोगों पे एक इम्पैक्ट बने, लोगों को जिसको हम भी आपने अभी देखा होगा कि जितने भी लोगों को हमने रोका वो सभी लोग शर्मिंदा हुए इस चीज़ से कि वो लोग ट्रैफिक नियमों का पालना नहीं कर रहे थे। तो ये गांधीगिरी के 3 दिन के बाद हमारी जो नॉर्मल हमारा जो प्रोसीजर है, जो चलानिंग हम लोग करते हैं वो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ये सारे जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं जो रोड पे रहते हैं, चाहे वो ट्रक है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे 3 व्हीलर है, सबकी चेकिंग की जाती है ऑलरेडी रेगुलरली भी और आगे भी ये किया जाएगा। ये जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं ये भी हम सारे टाइप के वाहनों के लिए चलाएंगे, सिटी रोड पे भी चलाएंगे और हाईवे पे भी चलाएंगे। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।